हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैगिंग। स्टैगिंग क्या होता है? तो आप जब कोई भी क्रिप्टो में होल्ड करते हैं और अगर उसको लॉक कर दे और आपको उसमें रिवार्ड्स मिलते हैं तो उसको कहते हैं स्टैगिंग। क्रिप्टो में होल्डिंग कभी करते हैं लॉकिंग, लेकिन लॉकिंग पीरियड में नहीं करते। लॉक करने के बाद आपको सर्टन अमाउंट जो मिलता है उसको स्टैगिंग, ये प्रोसेस को स्टैगिंग बोलते हैं। तो स्टैगिंग बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको बिना कुछ किए पैसे कमाने हैं तो आप स्टैगिंग कर सकते हैं। स्टैगिंग करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा पर्टिकुलर कॉइन्स में। उसके बाद में आप ईयरली बेसिस पे स्टैगिंग लगा दीजिए सर्टेन पीरियड के लिए, वो चाहे ईयर बेसिस पे हो या कुछ समय के लिए हो। तो उसके बदले में आपको सम कॉइन्स मिलेंगे, तो उसको उसके एक तरह के रिवार्ड्स मिलेंगे आपको। तो आप उसको अपने कन्वर्ट करके कैश आउट भी कर सकते हैं। तो उसमें इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैगिंग। तो आइए चलिए देखते हैं स्टैगिंग करते कैसे हैं। तो स्टैगिंग करने के लिए हम पहले डैप के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। डैप के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप पैनकेक स्वैप में क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप उस क्लिक करना होगा अर्न पे। अर्न पे क्लिक कीजिए। अर्न पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, फार्म्स एंड पूल्स। तो आपको पूल्स में शो क्लिक करना है, तो पूल्स में क्लिक करेंगे। पूल्स में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर में ऑप्शन सारे शो करने लगेंगे, थोड़ा समय लेता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल तौर पे फर्स्ट नंबर पे जो ऑटो कैप शो कर रहा है उसका APY 77.97 है। जैसे कि ये देखिए, ये ऑटो केक है। और ऑटो केक का जो कॉइन का जो स्टैक करने पे आपको जो अगर ईयरली बेसिस पे आप स्टैक करते हैं तो आपको 77.97, जैसे एग्जांपल 100 रुपये लगाए आपने और 77 रुपीज़ आपको साल के मिल जाएंगे इसमें एज़ पर द करंट सीन। इसी तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर मैनुअल केक, अलग टाइप के अर्न, NFT, नेफ्ट, अर्न, चेस, कई सारे टोकन हैं यहाँ पर। तो आप इसमें सभी में स्टैगिंग करके किसी एग्जाम एक किसी एक में स्टैगिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टैगिंग कर रखी है ऑटो केक में। तो ऑटो केक और मैनुअल केक में स्टैगिंग का फ़र्क ये होता है, मैनुअल केक में आपको APR थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन ऑटो केक में आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ऑटो केक में जो रिवार्ड्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको यूज़ करता है, तो उस बेसिस पे आपको APY जो मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल केक का यूज़ करके आपको शो करेंगे कैसे स्टैगिंग की जाती है। तो आप मैनुअल केक में क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक जस्ट मिनट, मैं आपको अर्न चेस के एग्जांपल से शो करता हूँ। अर्न चेस जो इसका स्टैक करके शो करता हूँ आपको मैं। आप जब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में शो ऐसे करेगा, ये इस तरीके से कोई भी जो न्यू कॉइन अगर आपके होगा यहाँ पर ऐसे शो करेगा। उसके बाद में आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा एनेबल का। तो आप एनेबल में क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्रूव करना पड़ेगा। एक सर्टन आपको फ़ी देनी पड़ती है 0.07 में। उसके बाद में आपको यहाँ पर अप्रूव में यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अप्रूव में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन ब्लिंक कर जाएगा स्टैक का। ये देखिए, ये लिख किया गया कॉन्ट्रैक्ट एनेबल्ड, यू कैन नाउ स्टैग इन द चेस पूल। तो इस तरह आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना है स्टैग में। स्टैग में क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अभी 0 USD, जो 0 केक है मतलब, तो हमारे पास अमाउंट नहीं है इस वक्त। तो इसमें हमें केक खरीदने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट केक का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, आपको शो करेगा। तो आपको गेट केक में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर गेट केक में क्लिक कीजिए। तो आपको इस तरह ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद में आपके पास ये बैलेंस
लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 0.008 है। तो अगर मैं मैगजीम पर क्लिक करूँगा तो मैगजीम आपके पास इसके लिए BNB में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास BNB में पैसा नहीं है तो आप स्टैकिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर BNB में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पैसा होना चाहिए। अगर BNB में पैसा नहीं है तो आपको पैसा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर केक को परचेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ शो कर सकते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दिया है, बैलेंस में 0.02 शो कर रहा है इस वक्त। तो मैं इसके थ्रू थोड़े से केक यहाँ परचेस करूँगा, उसके बाद में उसको स्टैकिंग करूँगा। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर जो आपको सही लगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0.01 यहाँ पर क्लिक लिख दिया तो इसमें आपको मिलेंगे 0.18 केक। ये देखिए यहाँ पर इतना मिल रहा है मुझे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर स्वैप के बटन में क्लिक करना है, तो स्वैप के बटन में क्लिक कीजिए। अगर प्राइस अपडेट होता तो ये कोई नहीं ऐसा शो कर सकता, तो उसमें प्राइस में अगर ऐसा आ जाए तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट का बटन दबाना है। तो आप एक्सेप्ट का बटन दबाइए, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आना चाहिए, वापस आ गया, क्योंकि ये लगातार चेंज होता रहता है। तो आपको यहाँ पर बार बार एक्सेप्ट का बटन दबाना पड़ेगा अगर इस तरह आता है तो। फिर से तो फिर उसके बाद में आपको कंफर्म स्वैप क्लिक करना पड़ेगा। कोई नहीं, वापस आ गया, मैं वापस एक्सेप्ट दबा के और कंफर्म स्वैप में क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्टेन अमाउंट कट रहा है, 3.76 अमाउंट कटेगा यहाँ पर पूरा, और नेटवर्क फीस 0.27 कटेगी। तो इस तरह आपको यहाँ पर इतना अमाउंट देना पड़ेगा अगर आपको केक परचेस करना है। तो यहाँ पर अप्रूव में क्लिक कीजिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया है। तो आपको क्लोज़ करना होगा, क्लोज़ कीजिए। उसके बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपके पास अमाउंट सर्टेन आ चुका है, 0.18 ऑलरेडी केक आ चुके हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पर फिर से एक बार अर्न में क्लिक करेंगे, उसके बाद में पुल पे क्लिक कीजिए। पुल में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अपलोड होता है, अपलोडिंग में टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट भी हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर अपलोडिंग हो चुकी है। तो हम यहाँ पर चेस अर्न चेस का एग्ज़ाम्पल ले थे, तो हम इसमें क्लिक करेंगे वापस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैगिंग स्टैग लिख के आ रहा है। तो अभी हमारे पास केक ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर स्टैग करेंगे। तो स्टैग में क्लिक कीजिए, स्टैग में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ शो करिए, देखिए यहाँ पर 25%, 50%, 70% और 100%। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर है। तो आप चाहें तो फुल अमाउंट 70% अमाउंट का, 50% अमाउंट का और 25% अमाउंट का लगा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह बैलेंस शो करेगा। अगर आप इसको 50% पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह शो करेगा 0.12। तो हर एक, अगर आपने यहाँ पर 70% क्लिक किया है तो आपको अमाउंट सर्टेन बढ़ जाएगा आपका। अगर आपने यहाँ पर मैक्सिमम क्लिक कर दिया तो मैक्सिमम क्लिक करने के आप देख सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है आपका। तो इसका मतलब आपने फुल अमाउंट यहाँ पर मैक्सिमम क्लिक करके लगा दिया है स्टैगिंग के लिए। तो हम एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लेट से 50%। तो मैं 50% में क्लिक करता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक करेंगे। कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए, कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपको स्मॉल अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ेगी। तो अमाउंट 0.3 वो आपको टैगिंग फ़ी देनी पड़ेगी। तो उसके बाद में आपको अप्रूव क्लिक करना पड़ेगा, तो अप्रूव में क्लिक कर दीजिए। ये कन्फर्मिंग शो कर रहा है, देखिए थोड़ी देर बाद कन्फर्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है, उसके बाद ये शो कर देगा। देखिए यहाँ देखिए योर केक फंड हैज़ बीन स्टैक इन द पुल,
शो कर दिया इसने। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ध्यान से ये आपका अर्न चेस का है जिसको आपने स्टैक किया है। इस वक्त हार्वेस्टिंग में जीरो शो कर रहा है, ये देखिए। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें फर्दर अगर अमाउंट आपके पास फ्यूचर में पैसा आता है तो इसको ऐड करके आप कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसमें माइनस भी कर सकते हैं चाहे तो। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ का आपका जो रेट है APR वो आपका 42.11% है। इसका मतलब आप इस वक्त करंट रेट पे अगर 100 रुपये लगाएंगे तो 42 रुपीज़ आपको साल का मिलेगा। तो आपके पास इसमें फर्दर डिटेल के लिए देखिए यहाँ पर सी टोकन इन्फॉर्मेशन व्यू प्रोजेक्ट साइट व्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर में आप जब स्टैक कर रहे हैं तो आपका ये अमाउंट सर्टन बढ़ेगा। बढ़ने के बाद अगर आपको क्लेम करना है तो आप हार्वेस्ट में क्लिक करके इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जीरो है तो मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी मैंने स्टैगिंग की है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह आप इसमें स्टैगिंग करके पैसा कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर ऑटो केक में स्टैक किया था, तो इसका एग्ज़ाम्पल देख देखते हैं कितना स्टेक हुआ है अभी इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो APR है APY 77.95 थी और ये ऑटो वाली है तो इसमें इसकी आप देख सकते हैं प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 0.0039 यहाँ पर केक मिल गए मुझे जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.01 USD है। और मैंने यहाँ पर जो केक स्टैक किया हुआ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.16 USD। तो इस तरह आपको सर्टेन अमाउंट में सर्टेन स्टैक करके आपको प्रॉफिट अर्न होगा। इसकी सबसे अच्छी बात स्टैकिंग की ये है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको वन टाइम में पैसे लगाना है, स्टैक करना है और उसके बाद में आपको रिलैक्स रहना है। अगर आपने मार्केट में कोई पैसे लगाया है और आपने हायर वैल्यू पे उसको परचेस किया है और वो कोई टोकन का प्राइस गिर जाए तो उस वक्त भी आप अपने जो टोकन आपने लिए हुए हैं इसको स्टैक कर सकते हैं जब तक कि मार्केट उठे ना, मार्केट ऊपर ना आए, और जब ऊपर आएगा तो आप इसको सेल आउट कर सकते हो। तो टाइमिंग के लिए आप इसको स्टैगिंग भी कर सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है। और न्यू पर्सन अगर कोई स्टैगिंग करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस तरह प्रोसेस यूज़ कीजिए, स्टैगिंग कीजिए और रिलैक्स लीजिए। बिना कुछ किए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें पैसा क्रिएट होता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा, तो आप इसको इस तरीके से प्रॉफिट लेके ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।